डियर फ्रेंड्स, डोजेस फॉर्म्स को पढ़ने के बाद आज अपन किसी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द ओरल डोजेस फॉर्म्स। ओरल डोजेस फॉर्म का कौन सा डोज है? तो देखते हैं अपन, एरोसोल्स या फिर नेबुलाइजर्स या फिर सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर टैबलेट। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो एरोसोल्स है और जो नेबुलाइजर्स है, ये तो नेजल कैविटी के थ्रू एडमिनिस्टर होते हैं, और सबक्यूटेनस एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपनी स्किन पर एडमिनिस्टर करने वाला डोजेस फॉर्म है। तो जो ओरल डोजेस फॉर्म का जो हमसे पूछा गया, उसका करेक्ट आंसर है 4, दैट इज द टैबलेट। टैबलेट एक ओरल डोजेस फॉर्म है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द इनहेलेशन डोजेस फॉर्म। इनहेलेशन डोजेस फॉर्म कौन सा है? तो हम देखते हैं एरोसोल, नेबुलाइजर्स, सबक्यूटेनस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बोथ 1 एंड 2, मींस एरोसोल एंड नेबुलाइजर्स। आइडियली एरोसोल्स और नेबुलाइजर दोनों के दोनों जो है तो इनहेलेशन डोजेस फॉर्म है, इसलिए करेक्ट आंसर है अपना 4, बोथ A1 एंड 2। व्हाट डू यू मीन बाय ऑफ्थेल्मिक डोजेस फॉर्म? ऑफ्थेल्मिक डोजेस फॉर्म्स का मतलब होता है जो हमारे आई के अंदर हम एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये जो होते हैं, तो हम देखते हैं इसका ऑप्शन फर्स्ट, डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग एडमिनिस्टर थ्रू द ईयर, डोजेस फॉर्म फॉर द ड्रग एडमिनिस्टर थ्रू द आईज, एंड डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग एडमिनिस्टर थ्रू द नोज या फिर बोथ आई एंड नोज। तो डियर फ्रेंड्स, ऑफ्थेल्मिक डोजेस फॉर्म का करेक्ट आंसर है हमारा बी। इट मींस कि ये वो डोजेस फॉर्म होता है जिसको एडमिनिस्टर किया जाता है आई के अंदर, मतलब आंख के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, व्हाट डू वी मीन बाय ओटिक डोजेस फॉर्म? ओटिक डोजेस फॉर्म का मतलब होता है वो डोजेस फॉर्म जो हमारे ईयर के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है। तो हम देखते हैं कि ऐसी ड्रग जो एडमिनिस्टर की जाती है तो ईयर, तो यही इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। अनदर ऑप्शन जो थे था आई का था या फिर नोज का था, ठीक है, या फिर आई और नोज। तो करेक्ट आंसर डियर फ्रेंड्स फर्स्ट है। डोजेस फॉर्म फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द ईयर इज कॉल्ड द ओटिक डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डर्मल प्रिपरेशन, मतलब स्किन पर अप्लाई की जाने वाली जो प्रिपरेशन है वो कौन सी है? तो हम देखते हैं पेस्ट या फिर फिल्म या फिर क्रीम या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द आएगा क्योंकि चाहती है हमारी स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। दीज आर द डर्मल प्रिपरेशन। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सूल और डोजेस फॉर्म कंटेन ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। कैप्सूल के अंदर जो ड्रग होती है तो कैसी होती है? ये सिंगल डोज होती है, कैप्सूल को हम यूनिट डोज बोलते हैं, डबल डोज बोलते हैं या फिर बोथ बी एंड सी। तो डियर फ्रेंड्स, अपन ने जब डोजेस फिजिकल फॉर्म पर बेस्ड डोजेस फॉर्म को पढ़ा था तो उसमें जो एग्जांपल था यूनिट डोजेस के अंदर था हमारा कैप्सूल। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा सेकंड वाला, यूनिट डोजेस, ठीक है। कैप्सूल जो होती है यूनिट डोजेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन शेक वेल बिफोर यूज इज गिवन फॉर, ठीक है। शेक वेल बिफोर यूज का जो डायरेक्शन है किस लेवल पर, किस डोजेस फॉर्म के लेबलिंग पर होती है? तो हम देखते हैं पाउडर पे होती है, सस्पेंशन, सिरप या नन ऑफ द अबव। तो आइडियली ये जो शेक वेल बिफोर यूज होता है तो सस्पेंशन और इमल्शन दोनों के लिए होता है। करेक्ट आंसर है हमारा सस्पेंशन। नाउ सिंपल सिरप इज ब्लैंक दे के रखा है, सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैविंग द कॉन्सेंट्रेशन। सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन सिरप में कितनी होती है? तो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत यूनिवर्सल है, 66.7% वेट बाय वेट सेचुरेशन है, यही करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला। अदर क्वेश्चन ऑप्शन देकर रखते हैं, 66.2% वेट बाय वेट, 65.7% वेट बाय वेट, ठीक है। बट सिरप के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 66.7% वेट बाय वेट होती है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ स्टार्च कैन बी यूज्ड एज इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन। टैबलेट फॉर्मुलेशन में स्टार्च को किस टाइप से यूज किया जाता है? एज अ बाइंडर, एज अ क्लियरिंग एजेंट, इधर फ्लेवरिंग एजेंट या फिर नन ऑफ द अबो। करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट, बाइंडर। नाउ डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, लिक्विड डोजेस फॉर्म इज, इनमें से लिक्विड डोजेस फॉर्म कौन है? तो हम देखते हैं लिंटर्स, बुगीज, पेसारीज या फिर एरोसोल। तो करेक्ट आंसर डियर फ्रेंड्स इसका है 1, दैट इज द लिंटर्स, ठीक है। जो भी हमारे कफिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, कफिंग स्टिमुलाई को सप्रेस करने के लिए, जबकि बुगीज और पेसारीज जो है तो ये बॉडी कैविटीज में एडमिनिस्टर की जाती है, और एरोसोल जो होता है तो ये हमारी नेजल कैविटी में एडमिनिस्टर किया जाता है, ओके। तो लिंटर्स इज द लिक्विड डोजेस फॉर्म। इलिक्जर्स आर, अब इलिक्जर्स के बारे में ये पता रखना बहुत जरूरी, क्योंकि ये जो होती है तो अल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है। तो ऑप्शन देख रखा है, क्लियर स्वीट एरोमेटिक हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन मेंट फॉर द ओरल यूज। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अनदर ऑप्शन इसके विस्कर लिक्विड प्रिपरेशंस,
ठीक है, या फिर लिक्विड और सेमी लिक्विड, या फिर एक्वस सॉल्यूशन यूज फॉर ट्रीटिंग द थ्रोट इन्फेक्शन। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्लियर सीविट एरोमेटिक हाइड्रोअल्कली प्रिपरेशन होती है, ये याद रखिए हमेशा। नेक्स्ट बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा डोजेस फॉर्म यूज नहीं किया जाता? तो हम देखते हैं सीरप, लिंक्टसेस या फिर इलिक्सर्स। तो डियर फ्रेंड्स, सीरप, लिंक्टस और इलिक्सर्स, ये तीनों के तीनों इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट, गार्गल। गार्गल को इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज नहीं किया जाता। तो डियर फ्रेंड्स, एट लास्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।